बेहतर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी फिर 13,750 के करीब पहुंच गया, वहीं सेंसेक्स ने इंट्राडे में 47,000 का आंकड़ा पार कर लिया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 529 अंकों की तेजी के साथ 46,974 के स्तर पर बंद हुआ। आईटी और रियल्टी को छोड़कर करीब सभी सेक्टर्स में तेजी रही। बैंक, फिनेंस और फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कल यानी शुक्रवार को क्रिसमस के मौके पर बाजार बंद रहेगा। मिसेस वेक्टर्स फूड की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई है। कंपनी के शेयरों की बीएसई पर आज 74% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई। आईपीओ के लिए शेयर का प्राइस बैंड 288 रुपए था और ये बीएसई पर 501 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ। वहीं लिस्टिंग के बाद इसमें अपर सर्किट लगा। आईपीओ को निवेशकों से मिले जोरदार रिस्पॉन्स के बाद ऐसा माना जा रहा था कि इसकी बाजार में बंपर लिस्टिंग हो सकती है। अंत में आज एनएससी पर मिसेस वेक्टर फूड का शेयर 594 रुपए पर बंद हुआ। बैंकों की विदेशों में कमाई पर भारत में मैट देना होगा। बैंक ऑफ इंडिया के केस में मुंबई आईटीएटी ने एक अहम फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक विदेशी शाखा वाले देश से टैक्स संधि होने के बावजूद बैंक की आय भारत में जुड़ेगी। हालांकि बैंक ने कोई टैक्स विदेश में अदा किया है तो उस पर उसे छूट मिलेगी। आपको बता दें कि ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, केन्या, साउथ अफ्रीका और सिंगापुर से भारत की टैक्स संधि है। वोडाफोन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स विवाद में भारत सरकार ने सिंगापुर की आर्बिट्रेशन कोर्ट में फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले सितंबर 2020 में वोडाफोन ने इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ 22,000 करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस जीत लिया था। इस फैसले के खिलाफ ही सरकार ने सिंगापुर के इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका दायर की है। 25 सितंबर को नीदरलैंड के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने वोडाफोन के हक में फैसला सुनाया था। वोडाफोन ने 2007 में हचिशन एसआर में 67% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिस पर इनकम टैक्स विभाग ने पिछली तारीख से टैक्स की मांग की थी। घर खरीदारों के लिए देश की राजधानी में फ्लैट खरीदने का मौका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नई ऑनलाइन हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दी है। ये स्कीम अगले साल लॉन्च होनी है। इसके तहत करीब 1200 फ्लैट की पेशकश की जाएगी। ये फ्लैट अलग अलग कैटेगरी में होंगे। द्वारका, जसोला, मंगलापुरी और वसंत कुंज जैसे स्थानों के लिए ये फ्लैट निकाले जाएंगे। स्कीम में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। 1 जनवरी से देश के सभी टोल नाकों पर फास्टैग जरूरी हो गया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन से छुटकारा पाने के लिए ये सिस्टम जरूरी किया गया है। इस कड़ी में बिना फास्टैग वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर आज से रोक लगा दी गई है। 1 जनवरी से टोल प्लाजा की सभी कैश लेन को भी फास्टैग लेन में बदला जाएगा। 1 जनवरी से किसी भी टोल प्लाजा पर नकद भुगतान नहीं होगा। दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर रिकवरी और कोरोना के प्रकोप तेजी से घटने का हवाला देते हुए रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए देश के अपने जीडीपी अनुमान में सुधार किया है। एजेंसी ने कहा है कि कारोबारी साल 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की गिरावट रह सकती है। एजेंसी ने इससे पहले जारी किए गए अनुमान में कहा था कि इस कारोबारी साल में जीडीपी में 11.8% की गिरावट रहेगी। एजेंसी ने कहा कि वैक्सीनेशन के बिना महामारी के असर से छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन आर्थिक एजेंटों ने नए हालात के साथ जीना सीख लिया। भारत का ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग मार्केट मौजूदा $4 अरब से बढ़कर 2022 तक 7.5 से 8 अरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान इसकी विकास दर 25 से 30% रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों ने खरीदारी के पुराने तरीके छोड़कर ऑनलाइन फूड डिलीवरी को तरजीह दी।